सबको नमस्कार। हमारे सीनियर सिटीजन के जो पीपल्स फोरम के प्रधान भीमसेन सचदेव जी, महासचिव आर एन गोयल जी और पूरी इनकी टीम और सभी हमारे उपस्थित बुजुर्गों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों को देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम बड़े लकी हैं कि इतने सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद एक साथ हमें मिल रहा है। सच में जो लोग अपने बुजुर्गों की कदर नहीं जानते, जो लोग उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं दूसरे के भरोसे पे, मतलब माँ बाप बच्चे को पालते पोसते और सभी तरह के दुख दर्द कष्ट उठा के बड़ा करते हैं, पूरी जिंदगी उनके लिए प्रॉपर्टी जोड़ते रहते हैं कि दो बच्चे तो दोनों को अलग अलग देते हैं, सब कुछ करते हैं और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जब बुजुर्ग उस स्थिति में आ जाते हैं कि वो उतना भागदौड़ नहीं कर सकते, जब उनको उन बच्चों की जरूरत होती है तो वो बच्चे फिर माँ बाप को ऐसे ही बेसहारा छोड़ देते हैं। ये बहुत शर्मनाक है और हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जिस घर में बुजुर्ग होते हैं उस घर में खुशियों का वास होता है, उस घर में किसी पूजा पाठ देवी देवता मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जो माँ बाप अगर खुश हैं हमारे तो समझो हमारी पूजा अर्चना पूरी हो गई और हमारे जीवन में खुशहाली उनके आशीर्वाद से अपना आप मिल गई। मैं तो सोचता हूँ पता नहीं आपकी उम्र तक हम कभी पहुंच पाएंगे भी या नहीं। इतने सारे बुजुर्गों को देख के सच में बहुत खुशी हो रही है और दिल्ली सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स के लिए कई तरह के काम हम लोग पहले से ही कर रहे हैं और अगर आपका सहयोग मिले और कुछ अच्छे सजेशंस आप दे सकें कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं। अभी हमने 5 रूट पे अपने दिल्ली के सीनियर सिटीजन्स के लिए तीर्थ यात्राएं हमने शुरू की हैं। वहाँ पर हम लोग अपने हर विधानसभा से 1100 लोगों को एक साथ में तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं। सीनियर सिटीजन होम हमारे बन रहे हैं जहाँ उनकी केयर भी होगी, सभी तरह की उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और जो सीनियर सिटीजन चल रही है संगठन चला रहे हैं उनको भी हम लोग रिक्रिएशन के नाम पे एक अमाउंट देते हैं, उसको अमाउंट को भी बढ़ा रहे हैं, वो भी हमने प्रस्ताव पास कर दिया है तो अमाउंट भी अब बढ़ के मिलेगा। क्योंकि हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा ध्यान अपने सीनियर सिटीजन्स का रखेंगे उतना ही ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स की तरफ से हमें आशीर्वाद भी मिलेगा और अच्छी सलाह भी मिलेगी। कोई भी सरकार हो वो सीनियर सिटीजन के सलाह के बिना बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकती, अच्छा तो कर सकती है लेकिन बहुत बेहतर करना है तो कुछ उसके लिए हमें बड़ों से उनके अनुभव के आधार पर उनसे सीख लेके आगे बढ़ना होगा। इस पर मुझे कहावत याद आ रही है कि सीनियर सिटीजन का महत्व क्यों ज़्यादा है। एक बार कभी एक शादी हुई, शादी होनी थी, उस शादी में लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि भाई आप किसी को भी बारात में बुजुर्ग को लेके नहीं आओगे। तो तुरंत उनको लगा भाई कुछ जरूर बात, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को बताया तो बुजुर्गों ने कहा कि भाई ऐसा करो, अगर उन्होंने शर्त रखी नहीं जा सकते, एक ट्रंक जो कपड़ों का लेके चलोगे उसमें थोड़ा सांस लेने के लिए कुछ छेद कर लेना, एक बुजुर्ग को उसमें बिठा लेना। तो उस इसी तरह बुजुर्ग को लेके वहाँ बारात पहुंची और बारातियों को लड़की पक्ष ने कहा कि आपको लड़की तब देंगे, हम टोटल 50 बकरे लेके आए हैं, आपको 50 बकरे खाने पड़ेंगे। और 50 बकरे का नाम सुनते ही वो तो घबरा गए, 50 बकरे कैसे खा सकते हैं, लोग तो 50-60 ही हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या करें, तो उन्होंने फिर उसमें जो बॉक्स के अंदर बुजुर्ग थे उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे उन्होंने शर्त रखी है क्या करें। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि आप एक शर्त रख दो कि हम 50 के 50 खा जाएंगे लेकिन पहले एक काट के उसको पका के लेके आओगे, जब उसे हम खा लें फिर दूसरा काटना, तो हम 50 के 50 बकरे आपके हम लोग खा लेंगे। और तो अल्टीमेटली इतने में 50 उन्होंने एक काट के उसको बनाने में जितना टाइम लगा तो एक को 50-60 आदमियों में थोड़ा थोड़ा साया वो खत्म हो गया। इस तरीके से वो 50 के 50 खाने में सफल हुए। तो ये एक मतलब कहावत मात्र वैसे ही नहीं बनी है बल्कि ये सच है कि जिनकी उम्र 70-80 और उसके आसपास या उससे ज़्यादा है
उनका अपना जीवन का लंबा अनुभव होता है, उन्होंने तरह तरह की समस्याओं को डील किया होता है। तभी कभी कोई समस्या आती है, कोई सामाजिक परेशानी आती है, लड़की लड़के वालों में कोई दिक्कत आ गई शादी के बाद, तो समाज में पंचायतें होती हैं, तो पंचायतों में शायद बुजुर्गों को इसीलिए बुलाते थे कि वो कोई अच्छी सलाह देकर किसी तरीके से उनका सेटलमेंट करा दें, क्योंकि उनका अपना इतना लंबा अनुभव होता है, वो अनुभव के आधार पर लोगों को कन्विंस करते हैं उन युवाओं को कि भाई आप जीवन बड़ा लंबा है और जीवन में आपको सुख दुख दोनों को झेलना होता है, दोनों को साथ लेके चलना होता है, दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के विचारों की कदर करनी होती है। और मैं समझता हूँ जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के विचारों की कदर करते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान की भी ध्यान रखते हैं, वो परिवार ज्यादा अच्छे चलते हैं। तो मैं ऐसे मौके पे आपने मुझे बुलाया और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। और अगर दिल्ली सरकार हमारी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, हमारी सरकार अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगी। पूरे देश में सरकारों को चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अच्छा करें, हम करने के लिए मतलब वचनबद्ध हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अच्छे सलाह हमें दीजिए ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, क्योंकि स्कीम्स तो पहले से चल ही रही हैं, हम और क्या और ज़्यादा बेहतर स्कीम्स बना सकते हैं, उस पर आपकी सलाह अगर हमें मिलेगी तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के सीनियर सिटीजन के लिए और ज़्यादा बेहतर योजनाएँ बनाने में कामयाब होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।